हे गाइस, एक और पीसी यहाँ पर तैयार है एंड ये जो पीसी है ये पीसी कंप्लीट हुआ है 1,35,000 रुपीज़ एंड ये फुल सेटअप रहने वाला है। इसके अंदर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ही कमाल का पीसी हमने यहाँ पर बिल्ड करा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सिनेमैटिक शॉट आपने देखे होंगे, बहुत ही प्यारा स्लिम पीसी कह सकते हो। और क्यों नहीं, क्योंकि 1,35,000 रुपये का कंप्लीट हुआ है एंड इसके अंदर सब कुछ है, आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, सारी चीज़ें। और ये जो RGB कीबोर्ड माउस हम लोग फ्री देते हैं, जो कि नॉर्मली मार्केट में 1,000 रुपये का होता है, RGB कीबोर्ड माउस का पूरा कॉम्बो है, साथ के साथ विंडो रिटेल की, जो कि विंडो अनएक्टिवेटेड रहे तो उसको की डालनी पड़ती है एक्टिवेट करने के लिए, जो कि मार्केट में 1,000 से 1,500 रुपये की देखने मिलती है, वो भी हम लोग फ्री देते हैं हर पीसी के साथ। तो अगर आपको भी पीसी बिल्ड करना हो तो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। साथ के साथ हमारी वेबसाइट है Tech P7, इसका नाम भी यहाँ पर लिखा रहा होगा, तो इस पर जाके आप विजिट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब आज इस वीडियो में बात करने वाले जो ये पीसी है, जो कि कैश ऑन डिलीवरी पे जा रहा है 1,35,000 रुपये, तो इस पीसी में कौन कौन से हमने कंपोनेंट लगाए एंड क्या प्राइसेस रहने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग कुछ बेसिक चीज़ें पूछते हैं कि कल को पीसी में कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि पूरे पीसी की ऑफिशियल वारंटी 3 साल की है, कुछ एक आध कॉम्पोनेंट में 5 साल और 10 साल जाते हैं, तो उस वारंटी पीरियड में क्या सपोर्ट देखने को मिलेगा Tech P7 से। तो भाई, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दो, कुछ भी अगर दिक्कत होती है आपको बस हमारे सेल्स टीम को फ़ोन करना है, उनको बताना है, वो वीडियो कॉल पर आगे एक बार कंफर्म कर लेंगे कि हाँ भाई किस कंपोनेंट में दिक्कत है, और उस कंपोनेंट को फ्री पिक करेंगे, हमारे पास आएगा, सर्विस सेंटर जमा करेंगे, सर्विस सेंटर से रिप्लेसमेंट आएगा, फिर हम कस्टमर को शिप करते हैं। पिकिंग एंड डिलीवरी फ्री रहती है, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो भी आप चेकआउट कर लेना। बाकी चलिए निकालते हैं यहाँ पर बिल, क्योंकि हम हर पीसी के साथ एक GST इनवॉइस देते हैं, तो कुछ इस तरह का हमारा लिफाफा रहता है एंड बिल भी कुछ इस तरीके का रहता है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर भाई किसने ऑर्डर करा है, 1,34,880 रुपये का पीसी है, नियर अबाउट 1,35, एंड ये ऑर्डर करा है शिव कुमार ने, जो कि रहने वाले हैं बिहार में पटना, तो ये बिहार से ऑर्डर आया हमें एंड 1,35,000 रुपये कम्प्लीट हुआ है। एंड गाइज, मैं आपको बता दूँ, 1,35,000 रुपये का COD मिल जाते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स जो है ना वो अलाउ नहीं करते यार 1,35,000 रुपये की, मतलब कोई ऐसा बंदा जिसे हम ना जान, ना पहचान, ना घर, ना ऑफिस, कुछ नहीं जानते, उसको किस मतलब क्यों पे कर दे, क्या गारंटी है कि आ जाए। तो ये जो सवाल है ना, पेरेंट्स बच्चे से पूछते हैं, बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, ऑब्वियसली नहीं दे पाएगा, क्योंकि 1,35,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो 12,000 रुपये काम कर रहा होगा कहीं, तो उसकी ये साल से भी ज़्यादा सैलरी है, मतलब पूरी साल में भी नहीं कमा पाएगा इतना पैसा है ये। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से हमने कॉम्पोनेंट यूज़ करे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर, और प्रोसेसर भाई मज़ा करा देगा, ऐसा प्रोसेसर यहाँ पर सेलेक्ट करा है कस्टमर ने, जो कि है i7 का 4700K, और इसकी प्राइस है 36,680 रुपये। इसकी जो प्राइस है ना, आप पूरे ऑनलाइन चेक कर लो, कहीं भी देखने को मिलेगी, इतना अच्छा हम प्राइस दे रहे हैं इसके ऊपर एंड ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग है हमारे पास, 1-1.5 लाख के बजट में यही बिक रहा है ये प्रोसेसर, क्योंकि बहुत अच्छा रेट इसका हम देते हैं एंड 24 कोर के आसपास में मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसके अंदर कोर एंड थ्रेड काफ़ी अच्छे हैं एंड लेटेस्ट है 14 जनरेशन का K वाला प्रोसेसर है ये, तो परफॉर्मेंस अल्टीमेट रहने वाली है। और इसी प्रोसेसर को चलाने के लिए ताकतवर हमने मदरबोर्ड भी रखा है, जो कि है Gigabyte की तरफ से Z790 UDAC DDR5, वाईफाई ब्लूटूथ आपको इनबिल्ट मिलने वाले हैं, 4 रन स्लॉट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं एंड साथ के साथ इसके अंदर 3M.2 है, वो भी Gen4 सपोर्ट करते हैं, साथ के साथ VRAM वो बहुत अच्छे। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये VRAM होती है जो साइड में आपको देखने को मिलती है, जो हम इसे कहते हैं, तो ये VRAM है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं इसके अंदर, प्लस हीट सिंक भी मिलते हैं VRAM पे, ताकि
आप इस प्रोसेसर को जो कि i7 4700K मतलब ओवरक्लॉक, इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आप ओवरक्लॉक करोगे तो हीटिंग भी होगी, तो हीटिंग से बचने के लिए यहाँ पर लिक्विड कूलर भी यूज़ करा है, जो कि है डीप कूल का LE720 360 लिक्विड कूलर, ब्लैक कलर में रहने वाला है एंड 360 है। और ये जो लिक्विड कूलर है बहुत अच्छी कूलिंग रखेगा इस प्रोसेसर को, जो कि ये i7 प्रोसेसर है, इसको ठंडा रखेगा। प्राइस की अगर बात की जाए तो 7750 इसका प्राइस हो जाता है एंड 360 एंड ARGB है, तो आप लाइट भी इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर लिक्विड कूलर, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मतलब इन तीनों कीमत देखते हो ना तो मोटा मोटा 80,000 हो जाती है, तो आप सोच ही सकते हो मतलब 80,000 रुपये सिर्फ ये तीन चीज़ें हैं। और सिर्फ अगर मैं इन दोनों चीज़ों की बात कर लूँ ना तो भाई 36,000 और 25,000, अगर मेरा मैथ सही है तो 60-70,000 के आसपास हो जाती है ये, 70,000 की सिर्फ ये दो चीज़ें। खैर भी देखो ऐसा ही बनता है, 1.5 लाख का PC ले रहे हो तो इतने महंगे कंपोनेंट लगते हैं। अब महंगी कंपोनेंट तो है लेकिन परफॉर्मेंस भी तो यार उस लेवल की है, गेमिंग में यूज़ नहीं होते ज़्यादा, ये 3D का काम होता है, एनिमेशन का काम होता है, या फिर थोड़ा हाई प्रोफाइल का काम करना हो। ज़्यादातर लोग ऐसे बनाते हैं जो BTech कर रहे हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, उनके लिए जो प्रोसेसर बहुत हैवी चाहिए, तो उसके ध्यान में रखते हैं ऐसे PC बनते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इन जैसे PC जो लेता है ना वो कभी नहीं रोता, वो कभी फ़ोन नहीं करता भैया परफॉर्मेंस लो हो रही है, मेरे सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे, मेरे गेम नहीं चल रहे, भाई अल्टीमेट होते हैं PC, कहीं दिक्कत नहीं आती इनमें। चलिए बात करते हैं यहाँ पर रैम, तो भाई रैम भी यहाँ पर 32 GB रैम रखी गई है, जो कि कंपनी है ADATA XPG लेंसर, 16 GB रैम, ARGB रहने वाली है ये एंड 5200 MHz पर क्लॉक है, तो यहाँ पर 2 स्टिक यूज़ करें, 16x2 तो 32 GB यहाँ पर हो जाते हैं। एक स्टिक का प्राइस है 4,950 रुपये, टोटल यहाँ पर 2 स्टिक यूज़ करें, टोटल 9,900 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करें रैम में। इसके बाद अगर बात कीजिए यहाँ पर स्टोरेज, तो स्टोरेज में यहाँ पर 2 यूज़ करिए, एक आपकी प्राइमरी स्टोरेज, एक है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पर क्रूशियल 1TB NVMe जो कि P3 आती है एंड Gen 3 है, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है। प्राइस की अगर बात की जाए तो इस NVMe का प्राइस है 5,450 रुपये। इस NVMe के बाद अगर बात की जाए यहाँ पर आती है हमारी सेकेंडरी हार्ड ड्राइव, जो कि WD की आती है एंड 7200 RPM पर क्लॉक है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 2900 है। अच्छा, गेम वाली भी हार्ड ड्राइव आती है वो 3250 के, तो उसके अंदर गेम भी मिल जाते हैं, बट ये खाली यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करिए तो गेम वाली भी हार्ड ड्राइव आप ले सकते हो। बाकी इसके अंदर आप विंडो चढ़ाते हैं, इसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, ये मिली चीज़ रहती है। बाकी इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर भाई ग्राफिक कार्ड, और ग्राफिक कार्ड बहुत ही बढ़िया है, जोटेक है वो 5 ईयर वारंटी, भाई जोटेक एक लौती कंपनी है जो 5 साल की वारंटी देती है, तो इसलिए जोटेक चूज़ कराए यहाँ पर ताकि PC चले लंबा। तो जोटेक RTX 3060 12 GB का ग्राफिक कार्ड रहने वाला है, इसकी प्राइस है 26,500 रुपये। 1 GB भी आता है 25,500 का, बट उसके अंदर 3 साल की वारंटी है, तो 1,000 रुपये सिर्फ वारंटी के ज़्यादा यहाँ पर पे करें। एंड इसके बाद अगर बात की जाए ग्राफिक कार्ड के बाद, तो आता है यहाँ पर हमारा डीप कूल का 750 DQ750 फुल्ली मॉड्यूलर 80+ गोल्ड सर्टिफाइड विद 10 ईयर वारंटी। प्राइस की अगर बात की जाए तो 6,750 इसका प्राइस हो जाता है, और यार मतलब बढ़िया है, फुल्ली मॉडल 80+ गोल्ड, 10 साल की वारंटी। इस PC को चला लो, इसके बाद अपग्रेड करोगे उस PC में भी पावर सप्लाई चल जाएगी, क्योंकि 10 साल की वारंटी। और मतलब यार मुझे नहीं लगता किसी ने 10 साल की वारंटी तक मतलब कोई पावर सप्लाई चलाया, टेक्नोलॉजी बहुत बदल जाती है 10 साल में तो। एंड इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर हमारा लास्ट आ जाता है कैबिनेट, तो भाई कैबिनेट आप लोगों को पता होगा आजकल बहुत यूज़ हो रहा है लाख के PC बिल्ड में, तो ये है एंटी स्पोर्ट का क्रिस्टल वाइट, इसका प्राइस है 6,500 रुपये, 6,500। एंड 3 फैन यहाँ मिल जाता है आपको, एक फ़ैन बैक में, टोटल 4 फैन इसके अंदर आते हैं। इसकी खास बात यह है, एक तो वाइट कलर में, दूसरा 360 लिक्विड कूलर सपोर्ट करता है, चौथी चीज़ इसकी लुकिंग यार बहुत ही प्यारी है। वो जो है ना, जो 3 फैन फ्रंट के साइड होता है छोटा सा, यार वो मज़ा नहीं आता, भौंका लिया ना वो इसी में कटते, एक एक 1.5 लाख रुपये खर्च कर रहे हो यार, अगर वो दिखे ना, मतलब यार ये वो कैबिनेट है कोई मेहमान भी आएगा ना, यार ये क्या है, आपको कंप्यूटर ऐसे हो गए, आप कंप्यूटर, हम तो पुराने कंप्यूटर जानते हैं जो डब्बे टाइप के आते हैं, ये क्या है, तो मतलब समझ रहे हो, मतलब 1.5 लाख रुपए जो खर्च कर रहा है वो दिखाएगा भी ना कि भाई खर्च करा है मैंने, वो कैसे दिखाएगा अपना पैसा, ऐसे ही तो दिखाएगा इसी से, तो इसीलिए कैबिनेट सेलेक्ट करा है कस्टमर ने, एंटी स्पोर्ट का क्रिस्टल, और बहुत ही प्यारा कैबिनेट है। इसके अंदर RGB का ऑप्शन मिलता है, अगर आप एक बटन दबाओगे तो सारे कलर हो जाते हैं यहाँ पर चेंज, जो कि आप देख सकते हो, सारे फैन के हमने कलर उस हिसाब से सिंक कर दिया है। कमला
बाकी पीसी बहुत प्यारा कंप्लीट हुआ है। एंड इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर पूरा पीस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट बचता है हमारा मॉनिटर जो कि है सैमसंग का 24 इंच मॉनिटर 75 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। बहुत ही बढ़िया मॉनिटर रहने वाला है, बजट में भी आ जाता है। इस मॉडल का नाम है सैमसंग S3 एंड इसके प्राइस की बात करें तो 7950 का मॉनिटर रहने वाला है। 24 इंच का 75 हर्ट्ज का मॉनिटर रहने वाला है एंड बहुत ही बढ़िया। सैमसंग के पैनल आप जानते हो, क्वालिटी जानते हो कैसी रहती है, तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर देखने को मिलती है। बाकी पूरा पीस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी जो बॉक्स है ना, ये भी इस पीस के साथ पैक होके जाने हैं एंड ये मॉनिटर भी अच्छे से बबल रैप होकर निकलना है, ये CPU भी बबल रैप होकर निकलना है। तो अगर शिपिंग कोई भी डैमेज आ जाता है ना, तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसमें पूरा सपोर्ट रहेगा। अब एक वीडियो बना रखी यार किस तरह का सपोर्ट रहता है अगर बाई चांस डैमेज आ जाता है, तो वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ ऐसी वीडियो, और इस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड बाकी वीडियो लास्ट में आपको मिल जाएगी। अच्छा, इस पीसी का लास्ट में बेंचमार्क भी है। अगर आप इस ग्राफिक कार्ड के साथ परफॉर्मेंस देखना चाहते हो गेमिंग पर क्या मिलेगी, तो वीडियो के लास्ट में आप बेंचमार्क भी देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। बेंचमार्क जरूर देख के जाना, हो सकता है गेमिंग में परफॉर्मेंस थोड़ी कम लगे, बट यार गेमिंग के हिसाब से डिज़ाइन नहीं, आप इस चीज़ समझ ना, कस्टमर ने 3D का काम करने के लिए लिया है ये। बाकी आप बेंचमार्क एंजॉय करिए। Every time you come back, it's like falling down these lies again.